नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में मोबाइल चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यावरण में स्वाट टीम और थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा दिनांक 21/7/2022 को समय करीब 6 बजे मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास ग्राम बख्शीवाला से अभियुक्तगण शावेज उम्र 22 वर्ष, पुत्र मोहम्मद खलील, आदिल उम्र 32 वर्ष, पुत्र रईस, कासिफ उम्र 35 वर्ष, पुत्र अनीस, खालिद उम्र 34 वर्ष, पुत्र तस्लीम को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से भिन्न भिन्न कंपनी के 52 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप एचसी कंपनी के, इन सब की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए और 2 अवैध तमंचे, 315 बोर मैं, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू नाजायज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस स्वाट टीम में से निरीक्षक मनोज परमार, निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, उप निरीक्षक जर्रार हुसैन, कांस्टेबल राजकुमार नागर, कांस्टेबल रईस अहमद, कांस्टेबल खालिद हैं और थाना कोतवाली शहर पुलिस में से प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार, वशिष्ठ उप निरीक्षक सुभाष धनखड़, उप निरीक्षक यशदेव शर्मा, उप निरीक्षक योगेश मावी, कांस्टेबल हरेंद्र मलिक, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल रोशन लाल हैं। कोतवाली नगर पुलिस ने बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, शावेज, आदिल, कासिफ और खालिद। ये सभी के सभी जो हैं मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी और उसके पुनर्विक्रय का काम करते हैं। इनके पास से 52 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप एचपी कंपनी के, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू नाजायज बरामद हुए। इनमें से 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन जो थे वो हमारे भिजदार की चोरी के थे। शेष के क्रम में अभी सर्विलांस की टीम लगी हुई है और उनको हम कनेक्ट करके अब इन्होंने मेरठ, मुरादाबाद, आसपास के जनपदों में ये चोरी रेकी करते हैं और चोरी करते हैं। तो अभी जो 52 मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, इनके IMEI नंबर से हम इन्हें केसेस से कनेक्ट करके शेष केसेस का भी अनावरण कराएंगे। अभी हमारे एक केस से जुड़े मोहल्ला ज्ञान विहार में एक घर से जिन्होंने चोरी किए थे वो हमने बरामद किए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और शेष केस खुलने पर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। क्या चार या और भी हैं कोई इनके अलावा? और कोई नहीं, इनका तो गैंग नहीं है फिलहाल और अभी विवेचना के दौरान अगर पता चलेगा तो देखते हैं।